और मेरे भाई कैसे चल रहा है सब कुछ। तो आज हम लोग बात करेंगे कि आप सबसे सस्ते में अपने 10 साल पुराने पीसी को भी कैसे अपग्रेड कर सकते हो। तो यार देखो, जो सबसे पहली चीज आपके दिमाग में आती है अगर आपको अपने कंप्यूटर की परफॉर्मेंस इंप्रूव करनी है तो वो है एक सीपीयू। लेकिन सीपीयू को यार अपग्रेड करने के लिए आपको एक नया मदरबोर्ड चाहिए हो सकता है, एक नई पावर सप्लाई चाहिए हो सकती है, तो उसमें बहुत खर्चा है। सबसे बेस्ट तरीका है आपके पीसी को फास्ट बनाने का, तो वो है एक बढ़िया स्टोरेज डालना, जो कि है आपकी पुरानी हार्ड डिस्क को फेंकना और एक बढ़िया एसएसडी को लगाना। मेरे पास एक 500 जीबी की हार्ड डिस्क थी जो कि भाई मुझे बहुत रुलाती थी, और इसमें क्रोम खुलने के लिए एक मिनट लगता था, तो मुझे लगा भाई मैं गुजर जाऊंगा, मैं इतना वेट नहीं कर सकता। तो मैंने इसको निकाला, मैंने एक एसएसडी डाली 240 जीबी की, और अब मेरा कंप्यूटर 15 सेकंड में बूट हो जाता है, 5 सेकंड में क्रोम खुल जाता है, सारे गेम्स बढ़िया से लोड होते हैं, वीडियो एडिटर, फोटोशॉप सब मस्का। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको एसएसडी क्यों ले लेनी चाहिए। तो सबसे पहली बात तो यह है कि भाई इसकी जो स्पीड्स हैं वो सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट है एसएसडी का। अगर आप अपनी नॉर्मल हार्ड डिस्क को देखो तो इसमें आपको सीक्वेंशियल स्पीड्स मिलती है 125 मेगाबाइट्स पर सेकंड रीड और राइट। वहीं पर अगर हम अपनी नॉर्मल सेटा एसएसडी को देखें तो इसमें आपको सीक्वेंशियल स्पीड्स मिलती है 550 मेगाबाइट्स पर सेकंड, जो कि एक हार्ड डिस्क से 4 गुना ज्यादा है। तो सबसे तगड़ी बात यही है भाई। तो अगर हम बात करें NVMe M.2 SSD की, तो उनकी स्पीड तो 2-2 GBPS भी होती है। दूसरी जो चीज है जो सबसे तगड़ी है इसमें, वो ये है कि भाई इसमें डेटा लॉस का खतरा बहुत कम है। अगर आप अपनी नॉर्मल हार्ड डिस्क को देखोगे तो इसमें मूविंग प्लेटर्स होते हैं जो कि मैग्नेटिक होते हैं, और अगर ये आपसे कभी गलती से गिर गई तो इसमें डेटा लॉस के चांसेस बहुत ज्यादा है। फिर आप रिकवरी सेंटर्स पे माथे देते रहो, पैसे खर्च करते रहो। वैसे तो अगर आपके पीसी में लगी हुई तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आपके लैपटॉप में हार्ड डिस्क लगी हुई है तो भाई बहुत ज्यादा चांसेस है कि कोई छोटा सा बच्चा आपका लैपटॉप गिरा दे, जिसकी मम्मी पास में खड़ी है तो आप कुछ बोल नहीं सकते, या फिर आपकी सेटिंग गिरा दे जहां पे भी आप कुछ नहीं बोल सकते। तो फिर भाई हार्ड डिस्क बहुत बेकार ऑप्शन है। और एक ही चीज है जो सबसे बढ़िया है लैपटॉप के अंदर तो मेनली, जो कि है एसएसडी। तो अगर आपके पुराने लैपटॉप में भी एक हार्ड डिस्क लगी हुई है तो उसको हटा के एक एसएसडी लगा लो, बहुत बढ़िया फ्यूचर प्रूफिंग है भाई। तीसरी चीज है जिसका भी एक फायदा आपको एसएसडी में मिलता है, वो है भाई लोअर पावर कंजम्पशन। बहुत सारी हार्ड डिस्क जो है जो आपके पीसी में यूज होती है वो यूज करती है ऑलमोस्ट 12 वोल्ट, वहीं पे जो आपकी एक नॉर्मल एसएसडी है वो सिर्फ 5 वोल्ट में चल जाती है। तो अगर आप एक एसएसडी को एक्सटर्नली भी यूज करो तो भी आपको कोई एक्स्ट्रा पावर एक्सटेंशन की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपकी जो केसिंग आती है उसको यूएसबी पोर्ट में डालो और आपकी एक्सटर्नल हार्ड डिस्क तैयार, या फिर मैं बोलूं एक्सटर्नल एसएसडी तैयार। तो ये तो वह सारे फायदे एसएसडी के, लेकिन दो नुकसान भी है एसएसडी के। तो पहला नुकसान है भाई जो कि है प्राइस। तो अगर मैं एक 1 TB की हार्ड डिस्क खरीदना चाहूं तो मुझे पड़ जाएगी 2500 में, वहीं अगर मुझे 2500 में एक एसएसडी लेनी हो तो मुझे सिर्फ 240 जीबी की मिलेगी, या फिर हो सकता है बहुत सारे केसेस में 120 जीबी की ही मिले। तो यहां पे एसएसडी बहुत ज्यादा महंगी है भाई, बहुत ज्यादा, मतलब कि ऑलमोस्ट 5 गुना तक ज्यादा महंगी है एक हार्ड डिस्क से। दूसरी चीज है जो कि एसएसडी के बारे में एक दिक्कत है, वो है कि भाई इनकी कैपेसिटी की अवेलेबिलिटी। तो अगर हम हार्ड डिस्क को देखें तो 10 TB 20 TB तक भी मिल सकती है, लेकिन एसएसडी 1 TB 2 TB खत्म। तो अगर आपको सस्ते में अपना कंप्यूटर अपग्रेड करना है, अभी आपके पास पैसे नहीं है, तो एसएसडी ही बेस्ट ऑप्शन है। मैं बहुत सारी अच्छी अच्छी एसएसडी का लिंक दे देता, लेकिन अभी अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे कुछ भी अवेलेबल नहीं है, नॉन अवेलेबल या फिर अनडिलीवरेबल यही सब लिखा हुआ है, तो लॉकडाउन खुलने तक आपको वेट करना पड़ेगा। लेकिन इस बात के बहुत ज्यादा चांसेस है कि भाई लॉकडाउन खुलते ये लोग कोई ना कोई सेल निकालेंगे, बहुत सारी सेल निकालेंगे, तो उसमें आपको बहुत बढ़िया प्राइसेस पे एसएसडी मिल सकती है, डिस्काउंटेड प्राइस पे। ये भी हो सकता है कि आपको 2000 रुपए के अंदर ही 240 जीबी की एसएसडी मिल जाए। तो भाई अभी से डिसाइड कर लेना आपको कौन सी वाली लेनी है, और जैसे सेल आए खरीद लेना। तो अगर आपने अपने 10 साल पुराने पीसी में एसएसडी लगा ली तो आपको सेम वैसी फील लगेगी जैसे माइक्रोमैक्स से आप सीधा आईफोन पे आ गए हो। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।